सभी साथियों को जय जीएमबी जी। मुझे लग रहा कि प्रॉपर आवाज मेरी जा रही होगी और बड़ा सौभाग्य की बात है, आज हम तीर्थों के जो राजा हैं, जिसको तीर्थों का राजा बोला जाता है, प्रयागराज, आज सौभाग्य से उस धरती पे मैं हूँ और वहां से मीटिंग करने का मौका मिल रहा है मित्रों को। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगातार जिस प्रकार से मीटिंग में लोगों का रुझान, लोगों का लगाव बढ़ रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लगता कि मेहनत जो है वो सार्थक दिशा में काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों सब कुछ जो है समूह पे, संगठन पे काम करता है, क्योंकि हम लोग संगठन बनाने के व्यवहार में हैं। और जितना मजबूत हमारा संगठन होगा उतना मजबूत हमारे जीवन का गठन होगा। हम अपने सारे सपने संगठन के माध्यम से मित्रों पूरा कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको कुछ थोड़ा आध्यात्मिक बातें करता हूं आपसे, और मैं महसूस करता हूं, मैं बहुत गहराई से चिंतन करता हूं कि लोग संगठन बना बना के कैसे अपने को मजबूत कर लेते हैं, और संगठन कैसा तोड़ने का संगठन बनाते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे। लेकिन जेएमबीटी मात्र दोस्तों एक ऐसा काम है जो जेएमबीटी में हम संगठन बनाते हैं दोस्तों, वो संगठन जोड़ने का काम करता, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते। और मैं देखता हूं तमाम तथाकथित बाबाओं को, गुरुओं को मीठी मीठी बातें करके लोगों को एकदम अपने बस में कर लेते हैं और एक माहौल बना लेते हैं, और उस माहौल से एक ऐसा संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें कुछ चंद आदमी सफल हो जाते हैं। जब वो मरते हैं तो जब उनकी संपत्ति का विवाद शुरू होता है तो मैं देखता हूं, पता लगा बाबा जी खत्म हुए, आज बाबा जी ने अपने पीछे 4,000 करोड़ का प्रॉपर्टी छोड़ रखा है। अरे भाई, वो 4,000 करोड़ का बाबा के पास संपत्ति आई कहां से? वो किसकी मेहनत है, वो किसकी मेहनत थी, किसकी गाड़ी कमाई का पैसा था? वो बाबा जी तो खाली हाथ आए थे, बाबा जी तो कुछ लेके नहीं आए थे, तो बाबा जी के पास इतनी बड़ी संपत्ति बनी कैसे? एक नेता क्या करता है, माहौल बनाता है और माहौल बना के सालों साल राज करता है, और उस माहौल में कितने लोगों को, आम पब्लिक को कितना लाभ मिलता है मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई उस और बहुत खास लाभ पाता है। तो इतनी इतनी संपत्ति बनाकर ये लोग राज करते हैं दोस्तों। और आप सोचिए भाई, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, लोगों को बताना, नेटवर्क बनाना, तीन ही काम तो करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करवाना है, और इन दोनों व्यवस्था को नेटवर्क बिजनेस में लाना है। इसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए आप कि हमको तो तीन काम करना है, इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करवाना है और नेटवर्क बनाना है। जब इतना सरल काम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं दोस्तों, आप वही, मैं उदाहरण तो देना चाह रहा था कि वो जैसे भी देखिए, आप बाबा रामदेव जी को देखिए, 10 साल जहां तक मैं उनपे रिसर्च करता हूं तो 10-11 साल तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, उन्होंने सिर्फ योग सीखने वालों का एक नेटवर्क तैयार किया, सुबह योग, शाम को योग, रात में योग, 3 बजे योग, योग गुरु बन गए, महागुरु बन गए, वो लोगों को संगठित करते रहे योग के नाम पे। ये बात जरूर है कि योग से लोगों को लाभ मिला, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया है, मैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं, मैं 1 साल फिजिकल एजुकेशन से मैंने पढ़ाई की है बीपीएड, तो मुझे पता है उसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन जब बाबा रामदेव जी ने 11-12 साल प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मित्रों किसी ने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट पे उंगली नहीं उठाई, क्योंकि बाबा ने लॉन्च किया, एक माहौल बनाया है, तो निश्चित ये प्रोडक्ट जबरदस्त होंगे, और आज टर्नओवर 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है बाबा रामदेव का। तो कहने का मतलब है लोग, मित्रों माहौल बनाकर और संगठन बनाकर अपने को कामयाब कर लेते हैं। अब दोस्तों एमएलएम में एक विपरीत परिस्थितियां हैं, यहां पे संगठन बनाकर कोई एक व्यक्ति चाहे
कि हम जेएमबीटी में कामयाब हो जाएं, हम एमएलएम में कामयाब हो जाएं, दोस्तों कभी हो ही नहीं सकता। इस खूबी को समझें आप, इस कहते नहीं परमात्मा के बनाए गए एक विशेष कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल ईश्वर ने बनाया है, एकदम चरितार्थ है दोस्तों। समूह को मजबूत करना, कलयुग हो चाहे सतयुग हो, एक बात कही गई है कि संघे शक्ति सर्वदा, संगठन की ताकत को हमेशा पहचाना जाएगा। लेकिन विडंबना एक आज तक जितने संगठन बने वो दौड़ना छोड़िए, तोड़ना सिखाए, तोड़ तोड़ के उन्होंने अपने को मजबूत किया है। और जेएमबीटी मात्र एक ऐसा संगठन है जो हमको आपको जोड़ जोड़ के मजबूत करेगा। तो मित्रों कैसा माहौल तैयार करना चाहिए कि हजारों लोग सफल हो, लाखों लोग सफल हो, कि ऐसा माहौल बनाए कि कुछ चंद लोग सफल हो। तो मित्रों आइए मिलके एक जबरदस्त माहौल बनाएं। और मैं देख रहा हूं लगातार कि जूम मीटिंग में आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, और लगातार आप लोग माहौल बना रहे हैं, लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। और इसी क्रम में दोस्तों मैंने आपसे जब पिछली बार ही वादा किया था कि मैं अपना पूरा प्रयास, पूरा सामर्थ्य माहौल बनाने पे लगा रहा हूं, इसी क्रम में ओम जी, इसी क्रम में पंकज भैया, इसी क्रम में प्रभाकर जी, इसी क्रम में दद्दा जी का आशीर्वाद हम लोग को बराबर प्राप्त हो रहा है। पूरी पूरी कंपनी सामर्थ्य लगा रही, इसी क्रम में चंद्रकेश जी, आज मैं चंद्रकेश जी के साथ में ही हूँ, इसी क्रम में अमित जी, इसी क्रम में हमारे करतार सर, पूरी बिहार की टीम, पूरी पंजाब की टीम, पूरी गुजरात की टीम, पूरी आसाम की टीम, पूरी बंगाल की टीम, दिल्ली की टीम, एमपी की टीम, सब लोग मिलकर बहुत बड़ा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। और उसका अगवाकार दोस्तों हम लोग लीड कर रहे हैं, उस पर दद्दा जी के नेतृत्व में अगुवाई हम लोग कर रहे हैं। और उसी क्रम में हर महीने एक बड़ी मीटिंग करने का हम संकल्प लेते हैं, जैसे कि आप माहौल बना सकें। माहौल बनाकर मित्रों पिद्दीसा पहलवान भी बड़े बड़े योद्धा को परास्त कर देता है, माहौल बनाकर एक पाखंडी बाबा भी कई हजार करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, माहौल बनाकर कई राजनीतिक पार्टी शासन सत्ता में आ जाती है। समझिए आप इस चीज को, माहौल बनाकर आज बहुत से एमएलएम कंपनियां हैं, इतना कठिन से कठिन प्लान है, इतना लालच भरा प्लान है, जो मुश्किल साल दो साल के अंदर उस प्लान को जाना है, लेकिन वो भी माहौल बनाकर कुछ चंद लोगों को पैसा कमवा देती है। तो जब निगेटिव माहौल बनाकर लोगों को कामयाब किया जा सकता है दोस्तों, तो क्या पॉजिटिव माहौल बनाकर हम लाखों लाखों लोगों को कामयाब नहीं कर सकते? चिंतन करिए इस बात पे। एक कागज बड़ा लिया जाए और कागज पे काला काला बिंदु खींच दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो मुझे पता है मित्रों 95% लोग यही सोचेंगे कि हमको सिर्फ काला बिंदु नजर आ रहा है, उनको पूरा सफेद कागज नजर नहीं आएगा। क्योंकि नजरिया बदलना है दोस्तों, नजरिया बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, हमको सारे कागज के उस दृष्टिकोण से उस कागज को देखना है। तो ये जो माहौल है, जो निगेटिव माहौल बनाकर आज लोग कमा रहे हैं, हम सब साथियों को मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाना, एक ऐसा सकारात्मक माहौल जो दिल से बनाया जाए। और दोस्तों सेवक बन के कार्य किया जाए, मालिक बन के कार्य न किया जाए, लीडर बन के काम मत किया जाए, सेवक बन के काम किया जाए, सेवक सेवा का भाव रखा जाए। आप गुरुद्वारे में जाके देखिए, इत्तेफाक से हम लोग को गुरुद्वारे में रुकने का भी मौका मिलता है, गुरुद्वारे में जाने का भी मौका मिलता है, वहां का प्रसादा हम लोग को ग्रहण करने का मौका मिलता है, इतना प्रेम भाव देखने को मिलता है कि सच बता रहे आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कितने प्रेम भाव से वहां लोग सेवा करते हैं, कितने प्रेम भाव से वहां प्रसाद का वितरण होता है। आज देखिए उस वो समाज कितना सशक्त है। आप भाव की बात देखिए मित्रों, सेवा भाव की बात देखिए। आप जैसे मुझे पता है कि जब मेरी माँ मुझे खाना बना के खिलाती थी, तो अगर मुझे चार रोटी खाना होता था तो मैं पांच रोटी खाता था। मेरी पत्नी अगर अपने बच्चों को खाना बना के खिलाती है तो मेरे बच्चे ज्यादा खाना खाते हैं। क्यों? एक काम वाली खाना बनाती है, अगर आज से चार से पांच रोटी मांगेंगे तो उसके मन से एक भाव, अरे यार कितना खाता है ये आदमी। और एक माँ से जब एक बेटा अपनी उससे मामी मुझे दो रोटी और दे दीजिए, तो माँ कहेगी बेटा एक रोटी और खा लो। क्यों? इस क्यों को तलाशिए, क्योंकि उसमें प्रेम भाव है।
माता सबरी ने भगवान श्री राम को बेर खिलाया था जूठा करके, लेकिन उसमें प्रेम था, उसमें यह प्रेम था कहीं ये बेर खट्टी तो नहीं, मेरे प्रभु को ये बेर खट्टी तो नहीं मिलेगी। और भगवान श्री राम ने कितने चाव से उस बेर को खाया था। तो मित्रों, जो ये काम करने का तरीका है, इस काम में सेवा भाव को अपने अंतर आत्मा में बसा लीजिए। सेवक बन के मित्रों काम करिए, मालिक बन के नहीं। अब बिल्कुल हनुमान जी की तरह काम करिए, यस मैन बनिए। कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, आज मुझे मित्र याद है, मुझे 20 साल इस इंडस्ट्री में काम करते होने जा रहा है, दद्दा जी के साथ काम करते होने जा रहा है, कभी एक पल भी नहीं आया, अगर कोई विपरीत परिस्थितियां, कोई कष्ट भी आया और दद्दा जी ने जब मुझसे पूछा कि कैसा रहा का, तो मैं कभी निगेटिव बात नहीं किया तक मैंने उनसे। कितनी भी चुनौती आई रही हो, मैंने कहा दद्दा ऐसा था लेकिन बहुत बेहतर है, इसको और अच्छा कर लिया जाएगा। अरे किसी बच्चे से आप ये कहें बेटा फूल मत तोड़ो, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, और किसी बच्चे से कहें बेटा फूलों की रक्षा करनी चाहिए। कोई अगर थोड़ा मोटा व्यक्ति आप उससे कहें आप बड़ा स्वस्थ हैं, आपका भाव कैसा है बात करने का। मैंने मीटिंग में कही थी इस बात को कि अगर आपको लोगों के इस सृष्टि में, इस पूरे संसार में अगर आपको जिंदा रहना है, तो दो जगह, दुआओं में और दिल में। आप दिल में बस जाएं मित्रों, लोगों की दुआओं में शामिल हो जाएं, आप अमर हो जाएंगे, आप कभी मरेंगे नहीं। दिल में बसें, और दिल में बसता कौन है? एक सेवक। इतना प्रेम भाव से लोगों के प्रति अपने को समर्पित करिए कि ईगो मात्र, ईगो जीवन में रही ना जाए मित्रों, एटीट्यूड आपका रही ना जाए। ईश्वर को प्रेम पसंद है, ईश्वर को सरलता पसंद है, सज्जनता पसंद है ईश्वर को। ईश्वर को अकड़ नहीं पसंद है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, जिंदा अकड़ नहीं करते। सरलता से रहिए आप, और इतना प्रेम भाव से सिस्टम को बढ़िए, इतना खुश होकर सिस्टम करिए, इतने भाव से सिस्टम करिए, फिर देखिए सिस्टम कैसे आपको प्यार करता है। और जो अपलाइन अपने लाइफ लाइन के नीचे, अपने डाउन लाइन के नीचे अधिकार से बात करता है मित्रों, मैं उसको अपलाइन नहीं मानता हूं। आप कहीं बॉस नहीं है यहां किसी के, आप एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर आपको पाने भी मांगना तो आप इतना प्रेम से मांगिए, आपको कुछ काम भी कहना, आपको कुछ इसको उसको इतना प्रेम से कहिए उसको, अरे भाई वो आपका सहयोगी है, लाइफ लाइन बोला जाता है, लाइफ नहीं खत्म तो लाइन खत्म। और जब आप उसको प्रेम देंगे, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको देख के आप मुस्कुराएं और वो आपको मुस्कुराहट का जवाब न दे। और ईश्वर ने, परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य कैसी योनि है जिनको मुस्कुराने की अद्भुत योग्यता दी है। शेर नहीं मुस्कुराता, दांत निकालेगा तो आदमी की हालत बिगड़ जाएगी, सिर्फ इंसान मुस्कुराता है। और कहते हैं कि मधुमक्खी भी उसी फूल पे बैठना चाहती है जो खिले होते हैं, जो खुले होते हैं। अरे खिलिए, खुलिए, और सेवा भाव से इस बिजनेस को अपने तहे दिल में स्वीकार करिए। और कोई भी अपलाइन से बाहर आइए मित्रों, आप एक अच्छे सहयोगी, देखिए उस टीम को देखिए कितनी सशक्त होगी, कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती दोस्तों आपके जीवन में आएगी, आप लोग मिलकर उस चुनौती को, बाधा को चीर के रख देंगे। और यहां कौन सा जीना मरना है भाई, यहां कौन सी स्वतंत्रता की आजादी है कि अंग्रेज लोग आपको फांसी पे चढ़ा देंगे या मुगल लोग आपको फांसी पे चढ़ा देंगे, या कौन से ऐसे बॉर्डर पे हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो बाहर से गोली आएगी और आपको लग जाएगी। यहां तो सिर्फ चुनौती, आप प्रोडक्ट कभी समय से नहीं पहुंच पाता, कमीशन कभी समय से, किसी के अकाउंट नंबर, यही छोटी छोटी चुनौतियां आती है दोस्तों। कोई लालच भरी कंपनी आपकी टीम में आ गई, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपका रिलेशन, आपका संबंध, आपका रिश्ता प्रेम से भरा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत आपकी टीम को नहीं तोड़ सकती, जो सफलता का मूलभूत सिद्धांत है। तो कहने का मतलब मित्रों, आप अपनी पूरी टीम में इतना प्रेम डाल दें, इतना प्रेम डाल दें
इतना ईमानदारी से वर्क डाल दें कि वो लोहे का मजबूत जोड़ हो जाए, उसको कोई हिला ना सके। और वो तभी संभव है जब आप अपनी टीम से प्रेम करेंगे और वहां पे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे और अपने आप को एटीट्यूड में नहीं रखेंगे। जब माहौल बनाकर बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव जीत लेती हैं, जब माहौल बनाकर बाबा लोग लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो हम लोग माहौल बनाकर भारत की तकदीर और तस्वीर और अपने हालात को क्यों नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते? हम दूसरे को कामयाब करने के कितना सामर्थ्य लगा देते हैं और उससे हमको क्या मिलता है? यहां अगर कामयाब होने के लिए अगर हमने सामर्थ्य लगा दिया और जितना भी टर्नओवर वीवी का हुआ उसका 70% पैसा प्रोडक्ट के साथ हम लोग को वापस आ जाता है। क्या किसी संस्था संगठन में आपने इसको देखा है? तो कहने का मतलब है मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से उस माहौल में सभी साथियों का, सभी लीडरों का सहयोग मिल रहा है, सभी सेवकों का सहयोग मिल रहा है। अब मैंने आपसे बोला था उस मीटिंग में कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले हर महीने आप बड़े से बड़े माहौल को देखेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो आपको महसूस भी हो रहा होगा। बस मित्रों इतना ध्यान रखिए कि अगर लोटे को और बाल्टी की जब सफाई करना होता है तो बाहर ज्यादा धुलना पड़ता है कि अंदर ज्यादा मांजना पड़ता है? मुझे पता है आपका जवाब यही आएगा कि सबसे पहले अंदर हाथ डाल डाल के रगड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा आप समझ गए हो कि भीतर से हमको आपको मांजना पड़ेगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहना पड़ेगा कि भैया सब कुछ तो भीतर ही छुपा है, अपने को झांकना पड़ेगा, अपने को जगाना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। तो मित्रों चूंकि आज पर्चे के क्रम में कुछ साथी नए भी बैठे होंगे तो पर्चे का क्रम, नाम रमेश श्रीवास्तव, जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूं मित्रों और विगत 16 सालों से लखनऊ में रह रहा हूं और इस सिस्टम को करने से पहले पेशे से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ था और दद्दा जी के सानिध्य में, दद्दा जी उस समय भी उस पेपर के संपादक थे और मैं प्रबंध संपादक था उसका, उनके सानिध्य में मैं साथ में लगा रहा। उसके बाद मित्रों हम लोग MLM में आए, एक कंपनी को हम लोगों ने साथ मिलकर बढ़ाया, फिर माता जी का आशीर्वाद हुआ, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग के बीच में आई, सन 2012 में GMBD कंपनी की स्थापना हुई मित्रों और इस कंपनी को 5 साथियों ने मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हुए मजबूत किया, पंकज भैया, प्रभाकर सर, ओम जी और हम, और दद्दा जी का सानिध्य प्रेम हम लोग को बराबर मिलता रहा, एक गार्जियन की तरह। कोई ऐसी समस्या नहीं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो, वो हर मुद्दे पे हम लोग को गार्जियन बन के समय समय पे सलाह देते हैं, समय समय पे जागरूक करते हैं और उन्हीं का वो मनोबल रहा, उन्हीं की दूरदृष्टिता रही जो आज हम लोग मजबूती से टिके हुए हैं। भारत सरकार के सारे मानक को पूरा करते हुए हम लोग ने GMBD को मजबूती से स्थापित किया हुआ है। तो दोस्तों 10 साल 11 साल का सफर पूरा हुआ, कंपनी दो उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, दूसरा समृद्ध भारत का निर्माण करना। इसी क्रम में नए साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी ने हर पहलू को छुआ है और कंपनी का पहला ही नारा था कि प्रेशर नहीं, हम कोई भी प्लान में किसी भी पॉइंट में प्रेशर नहीं डालेंगे, हम प्लेजर डालेंगे, इतना प्रेम डालेंगे, इतना उसके इतनी खूबियां डालेंगे कि सामने वाला स्वयं समर्पित होके उस बिजनेस को करने लगे। और दोस्तों इसी क्रम में कंपनी ने जो लाभ की, पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड, लखनऊ से कंपनी शुरू होती है, भारत सरकार की सूची में हम 55 नंबर पे आते हैं, आज भारत के 25 प्रांतों में GMBD अपना परचम लहरा रहा है, 250 से ज्यादा उत्पादों की रेंज आज कंपनी में है, राइस ब्रान ऑयल से कंपनी शुरू हुई, आज लगातार अभी इसी हफ्ते कई नए प्रोडक्ट आए हैं, लगातार कंपनी अपने उत्पादों की रेंज और गुणवत्ता के सुधार में वृद्धि कर रहा है, आज 400,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर GMBD में हो चुके हैं। तो कहने मतलब एक लगातार ये ग्रोथ जो 10 साल में आप देख रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि रियल कंपनी को, जो कंपनी का उद्देश्य था जब कंपनी की स्थापना की जा रही थी मित्रों, तो ये पहला प्रयास था कि रियल MLM की स्थापना की जाएगी। तो कंपनी ने एक ऐसा प्लान बनाया कि
कि हर व्यक्ति इसको कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप सिस्टम में शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों पहला लाभ एमआरपी का और डीपी का, हर व्यक्ति चाहता है उसको भारी डिस्काउंट मिले और वो एमआरपी और डीपी के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सके। तो कंपनी ने पहली इनकम स्टार इनकम के रूप में सिस्टम में लागू किया, जिसमें आप कुछ भी प्रोडक्ट लेकर सिस्टम में इन हो सकते हैं और उसके बाद पूरे भारत में किसी भी स्टोर पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस पे मिलेगा और भारी अंतर 10-60% का प्रोडक्ट पे पहले दिन से ही फर्क शुरू हो जाता है दोस्तों। फिर 6-22% का कैशबैक जो बीबी आप जनरेट करते हैं, स्वयं की परचेजिंग पे भी आपको कैशबैक आता है, जो आपकी टीम डेवलप करती है उस पे परसेंटेज आपका बढ़ता चला जाता है। तीसरा मित्रों फ्री प्रोडक्ट रेगुलर, अगर आप 6 महीने जो भी उत्पाद खरीदते हैं, जो बीबी का उत्पाद मेंटेन करते हैं, 6वें महीने उतने समान उत्पाद का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है। चौथा मित्रों अवेयरनेस इनकम, 50% अवेयरनेस इनकम, अपने में अद्भुत इनकम है ये। जिस भी व्यक्ति को आप लाते हैं इस बिजनेस में, साइन अप कराते हैं, उसको इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, वो इस बिजनेस के माध्यम से जो भी आमदनी करता है उस आमदनी का 50% मित्रों जीवन भर आपको लाइफ टाइम में आता है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो एक लेग पे भी पैसा देती है। अगर एक सिस्टम में किसी एक लेग पे किसी ऐसे व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया और आप सेकंड लेग अपनी नहीं चला पाए, खैर ऐसा एजुकेशन देना ही नहीं आपको अपने को, लेकिन एक अपवाद आपको बता रहे हैं, किसी कारण से अगर आप दूसरे लेग नहीं चला पाते हैं और सिंगल लेग पे ही आप व्यापार आपके नीचे डेवलप होने लगता है, तो वो जो भी आमदनी करेगा उस आमदनी का 50 से 1 लाख रुपए अगर महीने कमाता है तो 50,000 रुपए आपके घर में जाता रहेगा, कहीं नहीं मिलेगा मित्रों आपको, ढूंढ डालिए आप। फिर स्टोर की इनकम, स्टोर खोलने का तो 8% कंपनी देती है, लेकिन खुलवाने का भी 2% वॉल्यूम का देती है, ये भी उसको बताएं कि 2% ही इनकम ऐसी है, चाहे क्रॉस लिंक वहां प्रोडक्ट लेके जा रहा है, चाहे आपकी टीम लेके जा रही है, चाहे आपके अपलाइन की टीम लेके जा रही, कोई भी उस शोरूम से प्रोडक्ट लेके जा रहा है उसका 2% आपको मिलना है। तो मेन इनकम इस तरह से बताएं। और फिर रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम, फैमिली सिक्योरिटी बोनस इनकम, तमाम तरह के फंड हैं और तमाम तरह के पेयर इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, वो सब डिटेल उसको मौखिक समझाएं, क्योंकि इस तरह से जूम मीटिंग पे पूरा प्लान दिखाना संभव नहीं है, लेकिन पेपर वर्क करते हुए उसको जो भी अपलाइन है उसको पूरा समझाएं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा प्लान कैसे देना है आपको। तो कहने के मतलब मित्रों एक कंपनी का परिचय बताते हैं, उसके दिमाग में मोटी मोटी बातें डाल दे, जैसे अगर फील्ड में कोई इसको मिलता है तो उसको इतनी जानकारी रहे कि उसको कोई दिक्कत ना आए, वो पूरी बातें अपनी आपसे कह सके। अब आते हैं दोस्तों बेसिक बातों पे। माहौल बना दिया, सिस्टम में उसको ला दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, और जब माहौल देखता है तो एक बार तो आदमी बिल्कुल उबाल मारता है, लेकिन अब उस व्यक्ति को काम कैसे करना है, उस व्यक्ति को काम के प्रोसेस में कैसे लेके जाना है। से खाना पकाना तो आपने सब तैयार तो कर लिया, लेकिन अब उसको कैसे आगे प्रोसेस में ले जाना, खाना कैसे पकेगा, कैसे परोसा जाएगा, अब इन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान रखें। सब कुछ अच्छा है लेकिन बेसिक बातें अगर स्टेप टू स्टेप उस व्यक्ति को नहीं आपने सिखाया, आपने नहीं बताया, तो आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा। और हर सवाल का सूत्र है, मैंने कहा था हर ताले की चाबी है। हर चीज को इतने अच्छे सिस्टम से समझाइए, सबसे पहले जिस व्यक्ति को बिजनेस में लेके आइए मित्रों, बिल्कुल आज 18 सालों का आपको अनुभव बताने चल रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट फीमेल हो, चाहे वो बिजनेसमैन, कोई भी पर्सन में उसको MLM में लेके अगर आप आते हैं, माहौल में लाते हैं, सिस्टम की जानकारी देते हैं, 1-to-1 जानकारी देते हैं, होम मीटिंग जानकारी, कुछ भी करें, पहली कोशिश करें, अब आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, उस व्यक्ति के परिवार को सबसे पहले सम्मिलित करने की कोशिश करें। बिल्कुल एकदम लाखों रुपए की बात मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला काम जिसको JMBD में लेके आ रहे हैं उसको पूरी कोशिश करें, अगर महिला को लेके आ रहे हैं तो उसके पति को समझाएं, स्टूडेंट के लेके आ रहे हैं तो उसके पिता को समझाएं। अकेले प्लान देने का कोशिश मत करें, अकेले बताने की कोशिश ना करें,
और गलती क्या होती है, जब एक महिला को पूरा हपक के पूरा कलेजा से उसको समझा दीजिए आप, जब पूरा उसको समझा लेते हैं, जब 40 मिनट का 25 मिनट का प्लान खत्म हो जाता है, जब वो धीरे से बोलती है कि प्लान तो सर आपका बहुत अच्छा है लेकिन जरा इनसे पूछ लें, अरे बाप रे, अब बताइए। ये चुनौतियां आती हैं जो लोग नेटवर्क में ग्राउंड वर्क में काम कर रहे हैं उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं, वो जानते हो, अभी हंस भी रहे होंगे जब वो कहती है इनसे पूछ लें, अरे भाई इनसे पूछना था तो दोनों साथ ही बैठ लेते। तो अब मैंने आपसे बार बार कहा, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम दुनिया हरा नहीं कर सकते, लेकिन हम चश्मा हरा लगा सकते हैं। आप स्वयं को बदलिए, यही तो गलती हम करते हैं, यही तो गलती बड़े से बड़े धुरंधर व्यक्तियों को, बड़े से बड़े लीडर को मित्रों इसी गलतफहमी के चक्कर में समाप्त कर देती है। उनको लगता है वो गलत कर ही नहीं रहे, वो गलत कर ही नहीं सकते। अरे भाई क्यों, क्या ऊपर से आप डायरेक्ट आए हैं, आप गलत क्यों नहीं कर सकते? पूरी दुनिया इसी भ्रम में है कि मैं एक हूं और सामने वाला आधा है। अरे भैया जिसने ये बदल लिया वो एक हो जाता है। तो सबसे पहले अपने परिमार्जन में इस बात को दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में डालिए कि भैया हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम अपने को बदल सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहला स्टूडेंट हो तो उसके पिता के साथ बैठे जो डिसीजन लेने वाला हो, जब भी अपने बिजनेस की जानकारी दें पूरा प्रयास करें पूरे उस प्लान में पूरे डिस्कशन में पूरा पारिवारिक माहौल बनाएं। सबसे पहला ये प्रण कर ले, अगर परिवार सम्मिलित नहीं है, अगर हस्बैंड सम्मिलित नहीं है, अगर पिता नहीं सम्मिलित है, तो तब जब सम्मिलित होने की संभावनाएं बने तब उनको लेकर आप आगे बढ़ें। सबसे पहली जीत मित्रों, अगर परिवार को आप पॉजिटिव कर ले गए, परिवार को सिस्टम में कैसे पॉजिटिव होंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सारा सिस्टम अगर आप पॉजिटिव कर ले गए तो आप उस परिवार को एक अच्छे बिजनेस में सम्मिलित कर लिए, एक अच्छे सहयोगी आपने बना लिया। तो पहला विशेष ध्यान रखें फैमिली मित्रों, ये फैमिली का बिजनेस है, ये पूरी तरह से फैमिली बिजनेस है, और फैमिली अगर नहीं सम्मिलित है तो व्यापार को बड़ा करना खड़ा करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये चुनौतियां हम लोगों ने देखा है। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं इस चीज को मैंने महसूस किया है, अपने जीवन में महसूस किया है कि कितनी चुनौतियां आती हैं अगर परिवार आपके साथ ना हो। आज दोस्तों मैं देखता हूँ, आज पंकज भी मैं देखता हूँ आज 20-20 दिन बाहर रहते हैं, ओम को मैं देखता हूँ आज 25-25 दिन बाहर रहते हैं, हमारे सबके शेड्यूल को देखिए आज हम 28-28 दिन बाहर रहते हैं। तो मित्रों क्या बिना परिवार के सहयोग के हम बाहर रह सकते हैं? क्योंकि वो परिवार समझता है इस चीज को, जानता है। जब आप अपने परिवार को ये बता देते हैं कि हम 5 साल मेहनत करेंगे और आपको वो दुनिया वो जीवन देंगे जो आज तक हमारी पीढ़ियों में नहीं मिला, जो हमारे बच्चों को दूसरा काम करके उसको कितने संवेदनाओं से जोड़ें, उसको सिस्टम की ताकत को जोड़ें, भाव से जोड़ें, उसको हृदय से बताएं ये बिजनेस हम लोगों को दे क्या सकता है। और जिस दिन आपकी फैमिली आपके बिजनेस के साथ में खड़ी हो गई मित्रों, आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। ये बिल्कुल चुनौतीपूर्ण बात बता रहे हैं, आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। और परिवार अगर आपके साथ नहीं है तो मैंने बड़े से बड़े लीडरों को परास्त होते देखा है कि कैसे उनका परिवार उनके बिजनेस में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अरे इतना सिस्टम से चलिए, इतना तालमेल मिला के चलिए कि परिवार आपकी ताकत, और परिवार जहां ताकत बनी आपकी ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता। अब परिवार को कैसे आप पॉजिटिव करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया था कि आप होम मीटिंग 1-to-1 मीटिंग में एक रिलेशन डेवलप करेंगे, मैंने पिछली बार ही बताया था आपको। और सबसे पहले आप वहां अच्छा व्यवहार बनाने के बाद टूल्स का प्रयोग करेंगे, टूल्स का सबसे पहला, टूल्स में सबसे पहला आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके पास कंपनी के कुछ पुस्तकें होनी चाहिए, कंपनी के बैकग्राउंड बताने का सिस्टम होना चाहिए, और डेमो किट के साथ, टूल्स के साथ आप जब उस परिवार में एक एक प्रोडक्टों को, जैसे हम लोग एक फाइल बनवाते हैं जिसमें बाजार में जो नकली उत्पाद परोसे जा रहे हैं, बाजार में जो गलत चीजें परोसी जा रही हैं, बाजार में जो एकदम कहते नहीं किस स्तर तक जाके डुप्लीकेसी हो रही है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसको दिखाएं, फिर अपने पेस्ट का डेमो दिखाएं, फिर अपने साबुन का डेमो दिखाएं, फिर अपने चाय पत्ती का डेमो दिखाएं, अपने कैल्शियम का डेमो दिखाएं, अपने तुलसी का डेमो दिखाएं, जबरदस्त डेमो है तुलसी का दोस्तों, अपने एलोवेरा का डेमो दिखाएं।
टूल्स के साथ पूरे कंपनी का परिचय बताते हुए, कंपनी का मकसद बताते हुए फिर उसको डेमो किट पे लेके आए और हर प्रोडक्टों की तुलना कर दें, आप देखिए धीरे 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 आप सामने वाले व्यक्ति को खिचड़ी पकाना शुरू कर दे, उसके दिमाग में डेमो किट के माध्यम से नकली उत्पाद और असली उत्पाद के माध्यम से ऐसी जबरदस्त उसके दिमाग में बातें डाल रहे हैं आप कि वो आपका मुरीद हो जाएगा, वो देखेगा ये बंदा तो मेरे हित की बात कर रहा है, ये तो व्यक्ति चाहता है हम स्वस्थ रहे, हमारा आर्थिक लाभ भी हो। कौन व्यक्ति जो मित्रों आपके साथ नहीं बैठना चाहेगा, कौन सा ऐसा परिवार है जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। तो सबसे पहला मित्रों एक अच्छा रिश्ता बनाए, तालमेल बनाए, टूल्स का प्रयोग करके उस पूरे परिवार को सम्मिलित करें, ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए और टूल्स में कई चीजें पुस्तक हम लोग टूल्स में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों ने कंपनी से भी निवेदन किया है कि अब किट के साथ भी टूल्स का प्रयोग किया जाए, टूल्स में डाला जाए, कंपनी का परिचय, कंपनी के एचीवर्स, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका सिस्टम, और अभी हम और अमित जी एक किताब की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें बीमारियों से संबंधित टूल्स, और 24 तारीख को आप हो सकता है वो किताबें भी वहां आपको मिले, मतलब टूल्स पे कंपनी ने भी पूरा प्लान कर लिया है, टूल्स से हम आप लोगों को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि आपके पास पूरा हथियार होगा जो किसी भी व्यक्ति को सामने से परास्त कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के विचारों को, हमारी लड़ाई विचारों की है, विचारों को आप जीत लेंगे वो आपके साथ चलने लगेगा। तो टूल्स बनाएं, सिस्टम में लाएं और पूरे परिवार को लाएं, और जब इस क्रम को आप कर लें तो दूसरे क्रम में मित्रों आएं, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस एमएलएम इंडस्ट्री में वो है मित्रों लिस्ट बनाना और लिस्ट बनवाना। कितने साथी ऐसे हैं जो ऐसे शुरू हो जाते हैं, भैया कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, टिकट कहाँ दे दो कुछ भी पता नहीं, जहां मानो वहां दे दो। तो मित्रों कौन सा टिकट देगा आपको, आप खुद सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि तैरना कैसा है, पानी कितने फीट पानी है, तो आप कैसे तैरेंगे, कैसे तैराक बन पाएंगे। और एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे पहला जो हमारा रॉ मटेरियल है, जितने सीनियर साथी हो सब जानते हैं लोग हैं। अब हमारे पास अगर लोगों का समूह नहीं है तो हम काम किसके साथ करेंगे, जिसको भी माहौल दिखाकर बिजनेस में ला रहे हैं, जिसको भी टूल से पॉजिटिव कर रहे हैं, जिसको भी डेमो किट से प्रोडक्टों के प्रति पॉजिटिव कर रहे हैं, जिसको भी आप बिजनेस में पॉजिटिव कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी लिस्ट तो बनवाएं। जब तक उसकी लिस्ट आपके पास नहीं आएगी आप किसके साथ प्लान दिखाएंगे, आप किसके साथ काम करेंगे और लिस्ट किस तरीके से बनवाएं। सबसे पहले लिस्ट उसकी होनी चाहिए कि जो उसके व्यक्तिगत लोग हों, जो उसके अति महत्वपूर्ण लोग हों, पहले उनकी सूची बनाइए, ये जीजा हैं, ये दीदी हैं, ये मौसा हैं, ये मौसी हैं। अब कौन कहता है दोस्तों रिश्तेदार आपका इसमें सपोर्ट नहीं करते, मैं नहीं मानता हूं। अगर आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा है, आपका ताल, आपने उनके लिए कभी कुछ काम किया, अरे भैया आपने कभी काम ही नहीं किया, गजब बात है भाई, आप साल में एक बार फोन कर रहे हैं, आप दो साल में एक बार फोन कर, जब रक्षा बंधन है तभी दीदी के पास जा रहे हैं तो कैसे वो आपकी बात मानेंगे। अरे भाई आप कभी समय समय पर हाल चाल लेते रहेंगे, समय समय पर जाते रहेंगे, कैसे, कौन ऐसा रिश्तेदार है जो नहीं मानेगा बात आपकी। आप इसका प्रमाण देख ले, आप एक ऐसे रिश्तेदारी में लगातार प्रॉपर संपर्क में रहे और एक जगह कभी संपर्क में रहे, आप देख ली दोनों का कहां से रिजल्ट आता, बिल्कुल आपके अच्छे व्यवहार को ईश्वर भी पसंद करता है, आपके अच्छे व्यवहार को सामने जो भी होता है वो पसंद करता है, ये हो नहीं सकता, मैं इसको नहीं मानता। और आप सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट बनाएं, जो उसके एकदम रिश्तेदारी से जुड़े लोग हैं, उसके बाद एक लिस्ट बनाएं जो उसके साथ पढ़ने वाले रहे हों, कोचिंग में रहे हों, खेलने वाले रहे हों, दो प्रकार की, जिसको हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों बैठ के पूरी सूची बनाएं और आप उससे बताएं, अगर आप अपने लोगों को बीमारी से बचाना चाहते हैं, आप उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना लिस्ट दें। और लिस्ट बनाकर मित्रों पूरी तरह से पेपर वर्क कर दें, जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट उतना बड़ा उसका रिजल्ट। दूसरे कदम में लिस्ट को खूब मजबूती से बनवाएं और बिल्कुल उसको विश्वास दिलाएं कि मैं इस लिस्ट पे आपके साथ ईमानदारी से काम करूंगा और मैं आपको सफल बनाऊंगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। उसके बाद मित्रों जब सारा सिस्टम अपडेट हो गया, लिस्ट आपने बनवा लिया, तो अब आइए मेन विषय पे, प्लान। उस व्यक्ति को भी प्लान देना सिखाएं और प्लान की जितने भी बारीकी है, जितने भी बारीकी आप जानते हैं सब कुछ उसको बताएं। ऐसी बात उसको ना बताएं कि
वो भविष्य में कहेगा हमको तो ये बताया नहीं गया था। जैसे अभी एक छोटी सी कभी कभी चुटकुला सुनने मिल जाता है। एक बार एक दामाद ने अपने एक ससुर ने अपने दामाद से कहा कि यार तुम ये बताओ, शादी करने से पहले तो तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि यार तुम शराब पीते हो। तो थोड़ी देर तो दामाद चुप रहा। फिर दामाद ने कहा कि ससुर जी ये बताइए, क्या शादी के पहले आपने बताया था कि आपकी बेटी खून भी पीती है? कहने का मतलब भविष्य में ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं। जितनी भी जानकारी आपके पास है, सही तरीके से जो भी जानकारी है, आप अपने उस साथी को, उस सहयोगी को पूरी जानकारी दें। बीबी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, स्टोर पे कैसे आपको लाभ मिलता है, बिजनेस में आपको कैसे कमीशन आता है, रॉयल्टी इनकम क्या है, टेक्निकल इनकम क्या है, पेयर इनकम क्या है, उसको तो देखिए तो मौखिक बात है, लेकिन जब उसको सिस्टम में ले रहे हैं, एक एक चीज समझाइए। कितने वैल्यूम पे कमीशन आता है, 2200 वैल्यूम पे आपको पॉइंट का पैसा आता है, आपको डायरेक्ट इनकम आती है, तो पूरी जानकारी दें। ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती है, ट्री कैसे चेक किया जाता है, हर चीज पे उसको मित्रों परफेक्ट करिए आप। और फिर उसके साथ जितनी उसकी लिस्ट है सबको प्लान देना सिखाइए, क्योंकि ये बिजनेस लर्न टीच और डुप्लीकेट का, सीखे सिखाइए और अपने जैसा बनाइए। और वो तभी बनेगा जब ये पूरा जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से प्लान दिखाइए, इतने दिल से प्लान दिखाइए कि वो भी एकदम इसको एक एक पॉइंट वो समझ सके, एक एक चीजें वो जान सके। और मित्रों इतना मजा आता है जब जिस व्यक्ति को प्लान की जानकारी हो जाती है, इनकम निकालने की जानकारी, इतना इतना इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि जो सही ज्ञान होता है, जो विशेष ज्ञान होता है, वही मित्रों आपको महान बनाता है। अब ज्ञान से काम नहीं चलेगा, एक विशेष ज्ञान से चलेगा। और हर व्यक्ति का ज्ञान अपना अपना होता है मित्रों, हर व्यक्ति का ज्ञान अपना अपना। सोचते हैं आप अपलाइन हमारे प्लान दिखा ना, आप उसको भीतर तल में जाए, उससे इतना बेहतरीन तालमेल मिलाए कि यार भाई इस पूरे जीवन को अगर सार्थक बनाना हो तो मेरा दिल से साथ दो कुछ चंद साल, और अपनी ज्ञान अपना नॉलेज लो। जैसे एक बार एक सेठ जी थे, उनके 6 पुत्र और 6 पुत्रियां थे, बड़ा परिवार था उनका, 6 पुत्र और 6 पुत्र वधू, मतलब उनकी पत्नियां थी। और सेठ जी की आंखें कमजोर हो रही थी, सब उनसे कहें कि बाबूजी सेठ जी आंखें दिखा लीजिए, उनके मित्र कहें आप आंखें दिखा लीजिए। जब उनको सलाह दिया जाए तो वो सेठ जी ये कहें अरे यार अब क्या दिखाएंगे यार आंखें, मेरे तो 6 बेटे हैं, 6 बेटे की पत्नी, मेरे तो 12 आंखें, मेरी पत्नी भी है। कहते कहते समय बीत गया, लेकिन सेठ जी लापरवाही करते रहे अपनी आंखों की, उन्होंने जांच नहीं कराई और धीरे धीरे उनकी रोशनी जाती रही। और दुर्भाग्य से एक दिन उनकी उस कोठी में आग लग गई। और मित्रों जब आग लगी ना, तो जितने उनके 12-13 जो आंखें थी ना, वो सब मैदान छोड़ के भाग गए। और सेठ जी क्योंकि देख पाते नहीं थे, और सेठ जी का अंत हो गया। इस कहानी का भाव समझिए, अगर आपके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है तो बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे आप। हर एक बारीकियों को जाने, हर एक बारीकियों को समझे, फिर देखिए कितना आपको आनंद आएगा, कितना दिलचस्प लगेगा, यार ये ऐसे आता है, ऐसे पैसा आता है, इतना आनंद आता है जब हर चीजों को हम समझते हैं, हर चीजों को हम जानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लान दिखाएं, प्लान दिखाना। और एक बात जान लें, जो फुल टाइमर बंदा हो, जो GMBD को फुल टाइम कर रहा हो, तो वो कोशिश करे कम से कम 10 से 12 प्लान प्रतिदिन दिखाने का प्रयास करे। जो पार्ट टाइमर हो वो 2-3 प्लान तो जरूर दिखाए, नियम बना ले, अपनी धारणाएं बदले कि हम 2 साल से 3 साल के अंदर इस प्लान से, इस सिस्टम के माध्यम से कई लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। और दादाजी कहते थे कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, 100% प्रोडक्ट मित्रों इस्तेमाल करना है, जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना है और कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। यूज करना है, यूज कराना है। अभी मैं शुरू में बोल रहा था ना, तीन ही तो काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, यूज कराना है और नेटवर्क बनाना है। और दूसरी बात, हर उत्पादों की विस्तृत जानकारी लेना है आपको।
इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कराना है, जानकारी लेना है और पूरी जानकारी उसको देना भी है हर व्यक्ति को, कि गिलोय कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रिफला कैसे इस्तेमाल करना है, अपना पेस्ट में एसलेस नहीं मिला है, अपने पेस्ट में झाग नहीं होता है, अपने पेस्ट में केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया, अपने साबुन में केमिकल का, उसको एक एक प्रोडक्ट डेमो के साथ पूरी तरह से दिमाग में डाल दें, उसके दिमाग में बात पूरी तरह से एकदम दिमाग के अंदर गहरे तल में डाल दें कि भाई 100% प्रोडक्ट यूज करना है और हर प्रोडक्ट को ये गुणवत्ता, आप देखिए सिमांशु जी ने हर प्रोडक्ट का पीपीटी तैयार कर रखा है, पूरा साबुन का, तुलसी का, आंवले का, हर चीज का तैयार कर रखा है दोस्तों, आप उस पूरी पीपीटी की जानकारी ले। वैसे मैं इस ट्रेनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ चुका हूं और मैंने अमित जी से और कुछ अपने और साथियों से बोला है कि हर हफ्ते 2 ट्रेनिंग प्रोडक्टों की होगी, और अभी देखिए आप संडे को आप देखिए अमित जी ने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी है, आज चारों तरफ से बड़ा चर्चा रहा उस ट्रेनिंग का और काफी मतलब अच्छा लगा लोगों को, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ वो। अब इसके बाद लगातार हर हफ्ते 2 उत्पादों की पूरी प्रॉपर उसमें क्या मिला है, उसके गुणधर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, कैसे इस्तेमाल करना, पूरी प्रॉपर जानकारी, क्योंकि मित्र मैंने आपसे कहा ना, जानकारी ही हमको मजबूत बनाती है, जानकारी ही हमको ताकतवर बनाती है। तो पूरे उत्पादों को इस्तेमाल करना है, उनकी पूरी जानकारी लेना पीपीटी के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, और उस ट्रेनिंग को लगातार मजबूत किया जाएगा, हर हफ्ते 2 प्रोडक्टों की ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी। अब इसके बाद मित्रों आते हैं, जैसे अभी आप देखिए इतना अच्छा प्रयास हो रहा है हमारे साथियों का, जूम पे लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है, जिन भी लोगों को अपने साथ में ले आए उनसे उनको लिस्ट बनवाएं, उनको ड्रेस कोड में लेके आए, उनको डेमो किट से मजबूत करें, उनको असली नकली उत्पादों की फाइल बनाएं, उनको प्लान की सारी बारीकियों को समझाएं, उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएं और प्रोडक्ट के साथ साथ उस उत्पाद का जो गुण हो, क्योंकि जब उस गुण से उसको जोड़ देते हैं, प्लान दिखाने के साथ जब प्रोडक्ट के गुण से उसको जोड़ देते हैं, जिन जिन लोगों को मित्रों मैंने देखा पेस्ट का डेमो देख लेते हैं वो पेस्ट को कभी नहीं छोड़ पाते, जो साबुन का डेमो देख लेते हैं वो साबुन को कभी नहीं छोड़ पाते, और जिनको ट्रेनिंग मिल जाए, इस ओम जी और पंकज जी अक्सर पहले प्रोडक्टों की ट्रेनिंग देते थे, जिनको ट्रेनिंग मिल जाए वो बिल्कुल इसके दीवाने हो जाते हैं, वो उस प्रोडक्ट को छोड़ नहीं सकते, सारा सिस्टम प्रॉपर उसमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएं। दूसरा, जूम मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य झोंकें दोस्तों। आप देखिए लगातार जूम मीटिंग में संख्या हमारी बढ़ रही है, हम लोग अभी 24 जुलाई की तैयारी बड़ी भव्यता के साथ कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक सफल प्रोग्राम कराएंगे। उसके बाद 3 महीने बाद मीटिंग बंगाल का प्लान किया जा रहा है, फिर दिल्ली का प्लान किया जा रहा है, फिर गुजरात का, चारों हर प्रांत में एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मीटिंग और जूम में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों को लेके आए, जैसे कि माहौल बने और उस माहौल का पूरा लाभ हर साथियों को मिले, हर डिस्ट्रीब्यूटरों को मिले। फिर अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया में आते हैं दोस्तों कि अपलाइन और लाइफलाइन का भी महत्व उस व्यक्ति को समझाएं कि अपलाइन आपका साथी है, सहयोगी है, लाइफलाइन आपकी लाइफलाइन नामी है, उसको इस महत्व को समझाएं कि गुरु का जो दर्जा होता है, देखिए आपको एजुकेशन तो देना है और गुरु के दर्जे को अपने शास्त्र में, अपने धर्म में बहुत इसका महत्व दिया गया, हर धर्म में गुरु का महत्व दिया गया है। तो अपलाइन एक गुरु का दर्जा रखता है और जो हमारा ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन है उसके संगत में आपको जीवन भर रहना है और उसके संगत से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। संगत का मित्रों बहुत प्रभाव होता है। संगत के विषय पर अगर बात की जाए तो पंकज भैया से हमारी डिस्कशन संगत को लेकर हो रही थी, बड़ी गहराई का विषय है ये कि कैसे संगत से कैसे जीवन में बदलाव आ जाता है। जैसे कहते हैं जैसे जिसकी संगत वैसी उसकी रंगत। तो संगत हमेशा अपने से हर मामले में ताकतवर हो उसी व्यक्ति से संगत रखें, चाहे वो ज्ञान में ताकतवर हो, चाहे वो धन में ताकतवर हो, चाहे ताकत में ताकतवर हो। संगत अगर बनानी हो तो जो अपने से ज्यादा ज्ञान में हो, अपने से ज्यादा अनुभव में है, अगर उनकी संगत में आप रहेंगे तो मित्र निश्चित है आप कभी भी नहीं भटकेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रोइंग और इफेक्टिव अपलाइन है
उसकी संगत में रहेंगे तो आप कभी भी कमजोर नहीं होंगे। तो संगत का विशेष ध्यान है, अपलायन के महत्व को समझाएं। और सबसे अच्छी बात मित्रों ये करना है कि व्यापार जो हमारा है ये, उसको व्यापार के बारे में बताएं कि भाई ये नगद और उधार का व्यापार समझाना पड़ेगा उसको। पंकज भैया एक कहानी सुनाते थे कि दो दरवाजा था, एक पे लिखा था उधार वाले, एक पे नगद वाले। और जब व्यक्ति उधार वाले दरवाजे में प्रवेश कर जाता था तो अंत में उसमें और तमाम चीजें थी, अंत में जब वो दरवाजा लास्ट वाला दरवाजा खुलता था तो जहां से आया था वहीं पाया जाता था, मतलब बाहर। तो मैं इस चीज को आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में मित्रों आप हो सकता है अपना उधार का पैसा पा जाएं। बड़ा अनुभव बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं आपको। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में अगर आपने उधार का लेन देन कर दिया तो आप पैसा जीवन में नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए इस JMBD के माध्यम से MLM में, किसी भी कंपनी में अगर आप MLM में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये नगद का व्यापार है और नगद का ही व्यवसाय करें, क्योंकि कंपनी एक रुपए भी उधार नहीं देती। और जब फील्ड में आपने उधार दे दिया, फील्ड में आप लेना देना कर दिया, तब आपने 1,00,000 रुपए के व्यक्ति को खो दिया। और ये हम लोगों का बहुत कठोर अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, बहुत विशेष अनुभव रहा है कि किस तरह से हम लोगों ने एक चलती चलाई थी टीम को उधार देकर सिस्टम को बिगाड़ दिया। इसका बहुत जबरदस्त अनुभव रहा है दोस्तों, मुझे हंसी भी आ रही। कई ऐसी टीम थी जो हम लोगों ने अपने इस अनुभव से उसको खराब किया है। तो ना उधार देवे ना उधार ले, नगद का व्यापार है, नगद ही व्यापार करें, कोई भी पैसे का लेन देन उधार ना करें अगर इस सिस्टम में आप लंबा चलना चाहते हैं तो। इस सिस्टम में अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो उधार का कोई भी लेन देन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस व्यापार को दिल से करें, एकदम हृदय से करें, क्योंकि मित्रों दिल से जब आप कोई काम करते हैं, भावनाओं और संवेदनाओं के साथ आप काम करते हैं, तो निश्चित है पूरा ईश्वर आपकी मदद करता है। और मुझे इस बात पे कहानी याद आती है, एक कव्वाली हमने सुना था, उस कव्वाली में वो कहानी सुनाता है और उसको तो बता रहा था कि ये सही कहानी है, लेकिन हम इस चीज की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि कहानी का भाव इतना अच्छा था इसलिए इसको सुनाता हूँ आपको। कि एक बार हर जो भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, औरंगजेब का सबने नाम सुना होगा। औरंगजेब जो हर दरगाह पे जाता था, क्योंकि दिल्ली का बादशाह था उस समय, मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसको आलमगीर भी कहा जाता था। तो वो अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती थी उस समय, आज भी मानी जाती है। तो औरंगजेब अजमेर शरीफ के दरगाह पे आया, चिश्ती जी के दरगाह पे आया, जो बहुत बड़ा है। हम लोग वहां जब भीलवाड़ा जाते थे तो वहां जाना भी हुआ। तो वो जब जाता है तो आता है, देखता है यार इतनी इसकी भव्यता है, इतना दूर दूर से लोग यहाँ चादर बिछाने आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। तो जब वहां पहुंचा वो और देखता क्या है कि वो जब सीढ़ियों पे तमाम भिखारी बैठे थे जो अंधे थे, उसमें कुछ अंधे थे जो भीख मांग रहे थे। तो औरंगजेब ने कहा यार ये जहां से लाखों लोग दुआएं लेते हैं, लाखों लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, और इसी दरगाह पे हम देख रहे हैं ये लोग यार ये भीख मांग रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आई। तो वो सबको बुलाता है, कहता है कि मैं औरंगजेब हूँ और मैं बहुत क्रूर शासक हूँ, तुम मेरे बारे में जानते हो, और मैं जा रहा हूँ अंदर दुआ लेने, जा रहा हूँ आराधना करने, और अगर मैं निकल के आता हूँ और तब तक तुम्हारी आंखें नहीं आती तो सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। अब इसको जब सुनते हैं यार ये तो बहुत क्रूर शासक है, तो जो कहता करता है, अब तो हमारे लोग के प्राण गए। तो जो अंधे लोग थे, भिखारी थे, उन्होंने दिल से दुआ करना शुरू किया, रोना शुरू किया, हे बाबा पीर बाबा प्राणों की रक्षा करिए, जान बचाइए इस औरंगजेब से। दिल से अंदर से दुआ उन्होंने किया। और मित्रों जब औरंगजेब बाहर निकल के आता है तो हर व्यक्ति की आंखों की रोशनी आ चुकी होती है। तो औरंगजेब कहता है कि यार तुम यहाँ तो रोजी रोटी के लिए तो जी रहे थे, तुम जी तो रहे थे, तुम इस दरगाह पे थे तो, लेकिन तुमने इस दरगाह के महत्व को नहीं समझा, तुमने कभी दिल से इस बाबा से दुआ ही नहीं की
तुमने दिल से कभी मांगा ही नहीं, तभी तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं आई, और जिस दिन तुमने दिल से मांगा तुम्हारी आंखों की रोशनी आ गई। कहने का भाव यह है कि आप इस सिस्टम में प्लान को इतने दिल से दिखाएं, पोर्ट्रेट को इतने दिल से बताएं, इतने भीतर से बताएं कि यार मैं तो कामयाब हूंगा, लेकिन हे प्रभु ये जो मेरे साथ आ रहा है इसको भी मजबूत बनाओ, हमारे संगठन को मजबूत बनाओ, हमारी कंपनी को मजबूत बनाओ, हमारे देश को मजबूत बनाओ, हमारे परिवार को मजबूत बनाओ, हमारे समाज को मजबूत बनाओ। इतना प्रेम से, इतने अंदर हृदय से उसको प्लान दिखाएं, इस भाव से प्लान दिखाएं। कौन ऐसा दुनिया का प्राणी है जो आपके इस प्रयास से आपके साथ ना आ जाए? मैं मानने को तैयार नहीं हूं इस बात का। और उसको धैर्य की भी धारणा बताएं। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, सब कुछ अच्छा है लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। और धैर्य एक कड़वा पेड़ है लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। और धैर्य के बारे में उसको एकदम अच्छे से बता दें कि भाई कुछ समय धैर्य से टिकना पड़ेगा, धैर्य से लगना पड़ेगा, एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा जब तक पानी ना निकलने लगे दोस्तों। और धैर्य पे एक कहानी हम लोग को अक्सर सुनाई जाती थी कि एक बंदरों का एक झुंड था, बंदरों में कई सीनियर बंदर थे, और वो लोग एक बार अक्सर मतलब वो जाते थे बाग में आम खाने, और बाग में जब जाएं तो आम में उधम मचाएं तो बेचारे पीटे जाएं, क्योंकि जो बाग लगाने वाला माली होता वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो दौड़ के डंडे से पिटाई करेगा। तो एक बार बंदरों ने एक सभा बुलाई कि यार ये जो है हम लोग की पिटाई होते, हम लोग का अपमान होता है, क्यों ना हम लोग ही आम का बाग लगा दे। तो भाई कुछ सीनियर जो अनुभवी बंदे थे पूछे भाई आम कैसे, ये आम का पेड़ कैसे निकलेगा? तो कुछ जो बुजुर्ग बंदर थे उन्होंने कहा भाई हमने सुना है कि गुठली को जो है धरती के नीचे गाड़ा जाए, तो भाई खुदाई की गई उसमें गाड़ा, उसने पानी भी डाला, पानी भी डाला गया। और दो दिन तीन दिन बीता जाके इंतजार करने लगे और फिर उसको खोद दें। कई दिन ऐसे चलता रहा, फिर बाद में बंदरों ने कहा यार ये तो आम निकलता नहीं, बिल्कुल बेकार बात, इसमें आम निकल ही नहीं सकता। तो मित्रों बताइए आम निकल सकता था जिस प्रक्रिया वो जाते हैं? कहने का भाव है मित्रों आम तो निकलता है, फल भी निकलता है, लेकिन उसके साथ सींचना बोना, उसको धैर्य के साथ वहां पे टिकना पड़ेगा मित्रों, तभी तो आम निकलेगा। तो ये भी उसके दिमाग में डाल दें कि भैया आपको सिस्टम में आना है, टूल्स के साथ टूल्स का प्रयोग करना, आप स्वयं प्रयोग करें उसको भी। सबसे बड़ी बात वही गुड़ वाली कहानी है कि भैया मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, तो गुरु जी ने कहा अरे भाई पहले मुझे मौका दो, पहले मैं तो गुड़ खाना छोड़ू तभी तो उसको बता पाऊंगा। तो मतलब जो भी काम आपको करना है पहले स्वयं पे प्रयोग करना है, पहले स्वयं को उसको देखना कि क्या मैं उसको करता हूं। तो उस क्रम में जब भी आपको मौका मिले आप हर चीज को नियम से फॉलो करें, टूल्स बनाएं, ड्रेस कोड में रहें, डेमो दिखाएं, लिस्ट बनाएं, प्लान दिखाएं, प्लान की बारीकियों को प्रोडक्ट स्वयं इस्तेमाल करें, फिर उसी चीज को अपनी टीम में डुप्लीकेट करते चले जाएं, और जो आप कहते हैं वो टीम नहीं करती, जो आप करते हैं वो टीम आपकी करती है। तो पहले स्वयं करें मित्रों, तब उसको कराने का प्रयास करें। तो क्या करना है, सबसे पहले उसको उसकी फैमिली को सम्मिलित कराना है उसके साथ, जैसे उसको परिवार का सपोर्ट मिले, उसकी लिस्ट बनानी है, उसको टूल्स से जोड़ना है, उसको डेमो से जोड़ना है, उसको होम मीटिंग, मंथली मीटिंग, जूम मीटिंग, उसको प्लान से हर चीज से जोड़ते हुए उसको धैर्य के बारे में उसको समझाना है, उसको ये भी बताना भैया ना लेन देन करना है ना लेन देन करवाना है। सब सिस्टम को धीरे 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 दिल से उसके भीतर उसके दिमाग में उस चीज को बिल्कुल अच्छे से मित्रों डाल देना है। और आप देखिए इस चीज को अगर आप बोते जाएंगे तो वही फसल काटेंगे जो आप बोएंगे, जो आप समय बो रहे हैं तो समय काटेंगे। और मित्रों इस चीज का अनुभव है हम लोग को 18-16 सालों से कि जिस चीज को हमने देखा है, जिस चीज को हमने महसूस किया है, वो हम आपको आज एक निचोड़ के रूप में बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों को धीरे 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 फॉलो करते हुए आप एक अच्छी टीम बनाए मित्रों, अच्छी टीम बनाए। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया, देखिए अभी 3 तारीख को हमारी एक बड़ी मीटिंग इटावा है, अभी मैं चंद्रकेत जी के साथ बांदा के टूर पे हूँ, आज मैं प्रयागराज में, कल मैं बांदा रहूंगा, चित्रकूट रहूंगा, फिर वापसी प्रयागराज आऊंगा, फिर उसके बाद अयोध्या का टूर है मेरा, फिर अकबरपुर का टूर है, फिर सीधे इटावा 3 तारीख की मीटिंग है, उसके बाद फिर बिहार की टीम, मतलब हर तरह से पूरा शेड्यूल फाइनल है।
और 24 तारीख की तैयारी हम हर जगह जाके 24 तारीख की तैयारी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 24 तारीख की तैयारी के बाद इस पूरे, क्योंकि आज जीएमबीटी का प्लान, जीएमबीटी का प्रोडक्ट, जीएमबीटी का सिस्टम नंबर वन है। कोई भी लीडर अगर आज इस सिस्टम के, इस प्लान के, इस प्रोडक्ट को सुनता है तो दहल जाता है कि यार इस, ये तो तहलका मचा सकता है पूरे भारत में, कई करोड़पतियों को इस सिस्टम के माध्यम से पैदा किया जा सकता है। तो मित्रों, इतना ताकतवर प्लान हम लोग लेकर तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं और 24 तारीख से इस पूरे मिशन का जो एक सपना देखा गया था एमएलएम को लेकर, जीएमबीटी को लेकर दोस्तों, उसकी शुरुआत होगी। होटल विजय पैराडाइज जो 5 स्टार होटल है, वहां पे मीटिंग की सारे सिस्टम को फॉलो कर दिया गया है। 24 तारीख को वहां पे नेतृत्व में हमारे दद्दा जी जो मुखिया हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तमाम उपहारों का वितरण होगा, तमाम लोगों का सेलिब्रेशन होगा, नई नई जानकारियां दी जाएंगी, नए नए प्रोडक्टों के वहां लॉन्चिंग होंगी और 3 महीने बाद कंपनी की पूरी तरह से एक भव्य प्रोग्राम, उसमें कई टारगेट दिए जाएंगे। मतलब पैसा कमाने का, शोहरत कमाने का पूरा भरपूर मित्रों समय आपको आ गया है। तो मित्रों, बोलते बोलते कब एक घंटा बीत जाता है मैं, मुझे पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मैं भावनाओं से बात करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ और जो मैं काम करता हूँ मैं उसको आपको महसूस कराना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब उठ खड़े होइए, जाग जाइए मित्रों। इस जूम मीटिंग में संख्या बढ़ा दीजिए, मीटिंग ट्रेनिंग में संख्या बढ़ा दीजिए, 1-1-2 अपना रिलेशन बिल्ड कर लीजिए और जबरदस्त तैयारी करिए। तो मित्रों, मैं अपनी बातों को थोड़ा विराम देता हूं और मेरे एक पुराने साथी जिनके साथ हम लोग का कई सालों का रिश्ता रहा है, कई साल हम लोगों ने कदम से कदम मिला के संघर्ष किया मित्रों, बहुत सी स्टोरियां, बड़ी यादें उनसे जुड़ी है। जब मिलते हैं तो कहते नहीं, कुछ लोगों से दिल का रिश्ता होता है, वो रिश्ता ही एक अलग होता है जो ईश्वर बनाता है। और कम से कम 10 साल का सफर हम लोग के साथ में, उनके साथ हम लोगों ने काम किया, एक अच्छी टीम हम लोगों ने खड़ी की। जिस पुरानी कंपनी में हम लोग काम करते थे, टेक्निकल एक लेवल होता है जो लाखों रुपए जिस लेवल पे आता है, हम लोग की टीम में वो टेक्निकल की इनकम पे रहे, बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, हमेशा संवाद हमारा आपका बना रहा, प्रेम भाव बना रहा। लेकिन चूंकि हम लोग बाहर के प्रांतों में ज्यादा काम करते रहे और कोरोना के बाद हम लोग यूपी के प्रांत में ज्यादा काम करने लगे, बाहर भी करते रहे, यूपी में भी करते रहे, तो अभी बीच में हमारी उनकी मुलाकात हुई और हमारी इस मुलाकात को तरोताजा हम लोगों ने किया, अच्छा लगा, मतलब मिलके भी प्रसन्नता हुई। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी से जो अपने आप में ही पूरी एक कंपनी है, जान लीजिए मित्रों, जबरदस्त लीडर है, जबरदस्त पर्सनालिटी है उनकी। और जब उन्होंने अभी इस सिस्टम को देखा, इस नए अपडेट प्लान को देखा, तो कहा, उन्होंने कहा, सर आप हमसे पहले क्यों नहीं मिले? हमके सर हमारी भूल थी, हम आपसे नहीं मिल पाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब समय आ गया है इस पूरे व्यवस्था को विश्व पटल पे नंबर वन बनाना, भारत पे नंबर वन बनाना। और उन्होंने उसी दिन से संकल्प कर लिया और बीड़ा उठाया कि सर मैं अब कदम से कदम मिलाकर इस पूरे जो जीएमबीडी का सपना है उसको पूरा करने में तन मन धन पूरा सामर्थ्य लगा दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे शख्सियत जो हम लोग के दिल को प्रभावित करते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बहुत जल्दी आपको मेन लीड में नजर आएंगे, मीटिंग में नजर आएंगे, जूम मीटिंग में भी नजर आएंगे। तो मैं आज उनसे जरूर आपका परिचय कराना चाहूंगा, एक ऐसे शख्सियत से जो आप जिनको सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, उपेंद्र सर का, उपेंद्र अवध्या सर के नाम से है। उपेंद्र सर का माइक वो अनम्यूट करें। उपेंद्र त्रिपाठी सर, नमस्कार। जय जीएमबीडी उपेंद्र सर। जय जीएमबीडी सर। बोलिए सर, बोलिए। मीटिंग, हमने भी आपकी मीटिंग अटेंड किया, विशेष करके जो आपने ट्रेनिंग दी है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया आपने। और बहुत जल्दी हम लोग जूम में लोगों की संख्या बहुत बढ़ा करके आप लोगों के इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और उसका लाभ मिले लोगों को। दोस्तों, थोड़ा मैं परिचय देना चाहूंगा। नाम उपेंद्र त्रिपाठी है, अयोध्या जी से बिलोंग करता हूँ और दद्दा जी से, रमेश सर से, पंकज जी से, ओम जी से बहुत पुराना परिचय रहा हम लोगों का, बहुत साथ मिलकर के हम लोगों ने काम किया है और अब हम आप एक दूसरे के साथ हैं इस प्रोजेक्ट में, इस मिशन में, और इस मिशन को बहुत जल्दी ही बहुत आगे ले जाना है हम लोगों को साथ में मिल करके। और आज तो पहली मुलाकात है हमारी आप सभी लोगों से, तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। बहुत बहुत आभार रमेश सर जी का कि आपने हमको इस जूम मीटिंग में बुलाया दो बातें रखने के लिए अपनी। और रमेश सर, हर स्तर पे हम आप लोगों के साथ में है
पूरी कंपनी के साथ में है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में है, जहां तक हो सकेगा अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ठीक है मित्रों, अब चूंकि टाइम भी हो चुका है और नेक्स्ट मंगलवार को फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और दोस्तों यही आपसे आग्रह है कि सब लोग पूरा एक टारगेट बना लें और इसको अपनी कंपनी मान के काम करें। जब कोई चीज अपना मान के काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट ही कुछ अलग आता है। और 24 तारीख की मीटिंग में कमर कस लें, पूरी तैयारी कर लें, अधिक से अधिक संख्या में जिसको भी आप 24 तारीख की मीटिंग में बैठा देंगे मित्रों, मेरा वादा है, उसके बाद फिर आपको वो स्वयं आपको लेके चलेगा, आप जो चलेंगे चलेंगे, पूरी दुनिया उसकी बदल जाएगी, पूरी तस्वीर उसकी बदल जाएगी। और उसके बाद जो मीटिंग और भूचाल जो क्रम शुरू होगा वो नए भारत का इतिहास बनाएगा, वो जीएमबीडी का इतिहास बनाएगा। और वो चीजें दिख रही हैं, वो महसूस भी हो रही हैं। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।